वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिज ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड मैं भी ठीक हूँ, बट स्वस्थ नहीं हूँ। मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है, सर्दी खांसी वाला। सो इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी लगातार, क्योंकि बोलने में भी आवाज़ अच्छा से, मतलब मेरा रियल वॉइस नहीं लग रहा था। पर अभी भी आप लोगों को पता चल रहा होगा मेरे वॉइस से। सो आज है मेरी ननद का बर्थडे, और आज का ब्लॉग इसलिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। पूरा तो नहीं ले पाऊँगी, पूरा ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा थोड़ा मतलब क्लिप एक दो डाल दूँगी। तो मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर रही थी, और बर्तन साफ़ करने के बाद जो भी इवनिंग रूटीन होता है सारा कुछ होने के बाद, मैं यहाँ केक का तैयारी कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने 10 ओरियो बिस्किट लिया है, क्योंकि ओरियो बिस्किट केक बनाने वाली हूँ। सबसे सिंपल आसान तो वही होता है, और लॉकडाउन में अभी भी बाहर का केक नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैं बना रही हूँ। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि जब भी केक का ज़रूरत होता है लोग बाहर से ही मंगवा लेते हैं, तो अभी नहीं मंगवाना है, इसलिए मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। सो आप लोग भी देख लीजिए। तो सबसे पहले इसको जो पैकेट से निकाल करके, और जो इसका क्रीम होता है उसको भी मैं साइड कर दूँगी, और उसके बाद तोड़ दूँगी। और इसके बाद मिक्सर में जो मिक्सी होता है उसमें पीस देना है, मतलब जैसा पाउडर होता है वैसा तैयार कर लेना है। तो ये बिस्किट केक मैं बनाने वाली हूँ कुकर में। तो सबसे पहले एक कुकर लेना है, और कुकर की पेंदी में डाल देना है नमक, और उसके ऊपर से एक स्टैंड डाल दीजिए। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो मेरे तरह आप यूज कर सकते हैं जो आटा चाने वाला छन्नी होता है वो भी। और वो डाल देने के बाद इसको प्री हीट कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा हीट कर दूँगी, और जब तक मैं इसको मिक्स कर देती हूँ मिक्सी में, जिसको मैं पाउडर बना करके ले आई हूँ बिस्किट को, उसमें डालूँगी चीनी, ये भी पिसा हुआ चीनी है, और थोड़ा सा सोडा डालूंगी खाने वाला। और इसके बाद दूध डाल करके इसका बैटर तैयार कर लेना है, और थिक बैटर नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिन होना चाहिए, तो एक पेस्ट की तरह बैटर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हो इस तरह से। तो ये देखिए बैटर भी तैयार हो चुका है, और अब मैं बनाने चलती हूँ। तो मेरे पास यही है जिसमें मैं बनाऊँगी, तो ये भगोना है या टोपिया या टोपी जो भी बोल लीजिए, सो मैं इसी में बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास केक पैन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें ना मक्खन लगा देना है जितना दूर तक ये रहेगा बैटर उतना दूर तक, या फिर उसे ऊपर तक भी थोड़ा लगा सकते हो। और मक्खन लगा देने के बाद जो मैदा होता है उसे डस्ट कर देना है। तो मैदा थोड़ा थोड़ा छिड़क करके इसको पूरे में, जितना दूर तक मक्खन लगा हुआ है सब में मैदा लगा दूँगी। और इसके बाद इस बैटर को इसमें डाल देना है, जो भी पेस्ट बनाया हुआ है मैंने गोल, उसको इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से दिख रहा है, और इसके बाद डालने वाली हूँ मैं इसको कुकर में, जिसको मैंने प्री हीट किया हुआ है। तो ये थोड़ा गर्म है, आराम से डालिएगा, थोड़ा मेरा बड़ा कुकर है। और इसमें डालने के बाद इसको कर देना है बंद, और इसका सीटी निकाल देना है। तो सीटी इसलिए निकाल देना है क्योंकि इसमें सीटी तो लगाना नहीं है, और बहुत देर तक इसको पकने देना है, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे रखना है। तो इसलिए सीटी निकाल करके और इसको मीडियम फ्लेम पे या फिर लो फ्लेम पे रखना है, लगभग 40 मिनट तक, या फिर आप एक घंटे तक भी रख सकते हो। तो मेरा 40 से 50 मिनट में बन गया होगा, और मैंने अच्छे से टाइम नहीं देखा था, बट अंदाज़ा 40 से 50 मिनट से ही है, क्योंकि वीडियो जब रिकॉर्ड हुआ था तो उसमें टाइम दिया हुआ रहता है। और मेरा थोड़ा सा मैदा ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैदे का वो जो कलर वाइट वाइट दिख रहा है वो है, बट सौंधी सौंधी सा खुशबू था, बहुत ही अच्छा। तो ये बन के तैयार है, और अब इसको डेकोरेट करना है। तो डेकोरेट करने के लिए मेरे पास जो चॉकलेट सॉस होता है वो भी नहीं था, और सॉस भी मैंने नहीं बनाया था। तो मेरे पास था डेरी मिल्क, मैंने उसको क्रश करके उस पर चारों बगल से छिड़क दिया था। और इसके बाद जो ओरियो का क्रीम होता है उससे ही सजाया था मैंने पहले, तो ऊपर में चारों बगल डाल करके, और उस पर काजू रखा था, और उसके बाद जो साइड साइड में होता है उसमें भी मैंने अच्छे से चिपका दिया था। तो अब आ गए केक काटने का टाइम, और यहाँ पे मैं और मेरी सासू माँ और मेरे देवर जी और मेरी ननद और मीठी है। मीठी बहुत शांति से बैठी हुई है और हंस रही है, सबको देख रही है।
वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और अगर थोड़ा ये पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।